खबर भागलपुर की है। भागलपुर के समार नाले परिसर के सामने शहर में जलापूर्ति को लेकर बुडको द्वारा एडीबी प्रोजेक्ट के तहत जलापूर्ति के लिए कई दिन पहले गड्ढे खोदकर पाइप को बिछा गया, जिसके बाद सड़क पर यूं ही गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया गया था। और अब क्या है कि जब हवा बह रही है तो इन मिट्टी से धूल उठ रहे हैं और आवागमन करने वाले आम राहगीर इसकी चपेट में आ रहे हैं, खांसते खांसते परेशान हो जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि जैसे तैसे काम को कर दिया गया, बस खाना पूर्ति की गई और आम राहगीरों को परेशान करने के लिए सड़क पर धूल मिट्टी को काम होने के बावजूद इसी तरह से छोड़ दिया गया। समस्या है, हम लोग बेबस हो गए हैं, एकदम त्रस्त आ गए हैं कि बैठे या घर जाए कि क्या करें, क्या हो रहा है इससे। पूरा धूल धुक्कर से मतलब दो मिनट में, हर मिनट में साफ करना पड़ रहा है एकदम। इससे बीमारी भी हो सकता है, बहुत भयंकर बीमारी हो सकता है। हमका ऑफिस है सामने में तो ये हाल है, और गांव मोहल्ला में जो होगा उसका क्या होगा, प्रशासन तो सोया हुआ है। कितने दिन से है ये? 4 दिन से है। क्या है वो? ये पाउडर उड़ रहा है, गर्मी कुल पाउडर। इसके कारण? सरकार के कारण उड़ रहा है। क्या पाइप बिछाया है?